थैंक यू मैडम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों जब कभी भी आप अपने गांव में अपने तहसील में अच्छी मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जब इसके बारे में सोचते हो कि मेरे गांव में मेरे तहसील में अच्छे हेल्थ को लेके पूरा सिस्टम होना चाहिए, तो क्या दिमाग में आता है आपके आपके दिमाग में आता होगा नहीं, मेरे यहाँ बहुत अच्छे प्राथमिक आरोग्य केंद्र होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए, नर्सेस होने चाहिए, अगर कोई बीमार पड़े तो यहाँ उपलब्ध दवाई भी अच्छी होनी चाहिए और इंडोर के लिए इतने सारा इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी चाहिए तो वह आराम से एडमिट हो सकता है। तो जब भी अगर आपको लगता है कि अगर आपने ये विजन ये मिशन रखा है अपने गाँव के लिए कि मैं अपने गाँव की अपने तहसील की ये पूरी जो मेडिकल जो व्यवस्था है वो अच्छी करूंगा, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चीज आएगी जिसे हम एलोपैथी कहते हैं। दोस्तों आज ये पूरा जो सिस्टम है जो हमारे इस वैद्यकीय व्यवस्था का ये पूरा सिस्टम इसे मेनस्ट्रीम सिस्टम कहते हैं। हमने कोरोना में भी देखा और हर बार जब हम लोग मेडिकल वैद्यकीय चीजों के बारे में सोचते हैं तो बस इसी सिस्टम को देखते हैं जिसे मेनस्ट्रीम सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम ऐसा कहते हैं। और ये जो शास्त्र है, ये जो पैथी है, इसको एलोपैथी ऐसे कहते हैं। और इस एलोपैथी को छोड़ के कोई भी दुनिया का अगर शास्त्र है, कोई भी दुनिया का औषध शास्त्र है या आरोग्य शास्त्र है या कोई उपचार पद्धति है, इन सभी को क्या कहते हैं, तो इन सभी को कहते हैं दुनिया में कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो इसमें आयुर्वेदा आता है, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, शुद्ध होम्योपैथी और सब कुछ दुनिया की चीजें आती है। लेकिन दोस्तों इस आयुर्वेदा को लेके अगर आप विकिपीडिया में जाओगे और देखोगे क्या लिखा है इसके बारे में, तो आयुर्वेदा के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि आयुर्वेदा इसकी थ्योरी और प्रैक्टिस एक सुडो साइंटिफिक है, यानी ये विज्ञान के आधार पर है ही नहीं। आयुर्वेदा एक गलत विज्ञान है, गलत यानी नकली विज्ञान है, साइंस है ही नहीं, एक नकली साइंस है। और इस आयुर्वेदा को जो भी प्रैक्टिस करते हो क्वैक्स है, यानी ढोंगी डॉक्टर है, वो डॉक्टर है ही नहीं। ऐसा आज की तारीख में अगर आप ये वेबिनार होने के बाद तुरंत आयुर्वेदा योगी विकी डालोगे तो आपको ये आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलोपैथी की शुरुआत हुई 1800-1810 में, और आज अगर आपने कैलकुलेट किया तो एलोपैथी पिछले 225 साल से हमारे सामने है, जो मेन स्ट्रीम जिसको हमको कहते हैं हम कहते हैं। लेकिन हमारे पूरे दुनिया की जो संस्कृति है, पूरी दुनिया की, मनुष्य एक जगह बस्ती करके रहने लगा लगभग 40,000 साल पहले। लेकिन ये अलग अलग जो संस्कृतियां है, अलग अलग जो सिविलाइजेशन है, उसकी शुरुआत हुई लगभग 10,000 साल पहले से। अभी इस 10,000 सालों में अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्कृतियों ने जो काम किया है, वो आज भी कई ऐसी चीजें जो हम आज यहां मॉडर्न दिनों में नहीं कर सकते। तो क्या लोगों को ऐसा लगता है कि इसके बिना इतने हजारों साल जो हमने जिए, ये सब काम किया, तो इसमें औषध, इसमें आरोग्य को लेके उस आरोग्य शास्त्र में कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई थी? दोस्तों ये बेबीलोनियन एक सिविलाइजेशन, अब ये बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन है वो इसका मतलब आज का जो ईरान, तुर्की, सीरिया, ये सब, वह ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आज भी है। आज भी इस बिल्डिंग को पूरी दुनिया के जो 7 आश्चर्य है उसमें से एक माना जाता है। किसी आज के जो भी ये जो इंजीनियर्स है उनके समझ में नहीं आया कि कैसे बिल्डिंग अभी तक है वहां। दोस्तों और उसी उसी सिविलाइजेशन में एक एंशियंट इनकी मेडिसिन, एक पूरा औषध शास्त्र था जो 100% साइंटिफिक था। वैसे इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है, इजिप्त की जो मूर्तियां आज आप देखोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि हजारों साल पहले इन्होंने कैसा काम किया। लेकिन उसी इजिप्ट की अपनी खुद की एक मेडिकल सिस्टम है,
एक खुद का उनका पूरी एक उपचार पद्धति है जो भी साइंटिफिक है। चाइना, चाइना की खुद की अपनी संस्कृति जो हजारों साल पुरानी है, और उसी चाइना की एक अपनी खुद की एक मेडिकल पद्धति भी है जिसे हम लोग एंशियंट चाइनीज मेडिसिन कहते हैं। लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे सिविलाइजेशन में, पूरी दुनिया में जितनी भी संस्कृति हुई, उन सभी संस्कृतियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे डेवलप्ड, सबसे बेस्ट, बहुत ही आगे अगर कोई सिविलाइजेशन, अगर कोई सभ्यता है तो वो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है। ऐसी सभ्यता जो जो चीजें हमने सिंधु घाटी के टाइम उस वक्त किए है वो आज भी हम लोग नहीं कर सकते। क्या आपको पता, मैं कितने एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, लेकिन केदारनाथ का टेम्पल, केदारनाथ का मंदिर, जब केदारनाथ के यहां प्रलय आया था, केदारनाथ मंदिर के आजू बाजू का सब कुछ ढह गया था, बड़े बड़े पर्वत से लेके सब कुछ, कुछ भी रहा नहीं, लेकिन वो मंदिर वैसे के वैसे रहा। आज वैसे कई सारे मंदिर है, मस्जिद है, चीजें है जो आज भी हम लोग नहीं बना सकते। हजारों सालों से वो मंदिर और चीजें वही है जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है। जो साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे मैडम ने कहा, बड़े सभी जो इन्वेंशन पिछले 200-300 सालों में हुए, इन सभी का संदर्भ हमारे वेदों में है, प्रॉपरली लिखे हैं। जितने विश्वविद्यालय भारत में थे, पूरी दुनिया में तो विश्वविद्यालय थे नहीं, इतने लेवल पे जब हम लोग थे तब इस औषध शास्त्र में हम लोग कैसे पीछे रह सकते हैं, आप बताइए। दोस्तों जिन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई की है, कोई भी, और मैं ऐसा नहीं बोलता कि सिर्फ भारत वाले बोलते, पूरी दुनिया में जिन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई की है, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में आज जो भी औषध शास्त्र है, जो भी उपचार पद्धति, उसकी अगर मां कोई होगी तो वो आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा इतना महान है, और इसके लिए नहीं है कि इतने सालों से, ये बहुत पुराना है, इतने सालों के, इसके लिए नहीं है। जिस तरह से ये साइंस है, नॉलेज है, ये अभी तक, ये अभी जो जिसको मेन स्ट्रीम कहते हैं वो भी इसके पास भी नहीं, इस तरह से अपना आयुर्वेद देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि एलोपैथी की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों ये एलोपैथी की जब शुरुआत हुई 1800 में, अमेरिका में शुरुआत हुई, तब पूरे अमेरिका में होम्योपैथी को फॉलो करते थे लोग। होम्योपैथी का क्या क्या प्रिंसिपल है, लाइक क्योर्स लाइक, यानी अगर कोई दवाई एक अच्छे खासे एक निरोगी व्यक्ति में कोई बीमारी पैदा कर सकती है, तो वही दवाई जिसको वो बीमारी है उसको ठीक भी कर सकती है। तो इन सिद्धांत के ऊपर ये होम्योपैथी काम करती है। लेकिन जब एलोपैथी आई, तब एलोपैथी ये जो शब्द है ना, ये अपमानजनक शब्द करके पहले उसकी उच्चारण हुई, अपमानजनक शब्द यानी डेरोगेटरी वर्ड करके उसको लोग चिल्लाते थे, बोलते थे कि एलोपैथी यानी गलत। दोस्तों एलोपैथी ये शब्द किसने दिया, तो एलोपैथी ये शब्द दिया सैमुअल हनीमन, एक इस साइंटिस्ट। अभी ये जो वैद्य थे, ये जो फिजिशियन थे, इन्होंने ये होम्योपैथी की शुरुआत की, ये फाउंडर है होम्योपैथी। उन्होंने ये कहा कि कैसा यह विज्ञान है, ये कैसी उपचार पद्धति है कि जहां आप सिर्फ लक्षण को ठीक करते हो, और वो लक्षण को ठीक कैसे करते हो आप, कि वो उससे अपोजिट, डायरेक्टली अपोजिट चीज देखे। अगर आपको एसिडिटी है तो आपको आप अल्कलिनी की चीज दोगे और उस एसिडिटी को भगाओगे, भले ही बाकी कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी बॉडी में अगर कोई बीमारी होती है तो उसका कारण क्या है, और पूरी ऐसा कौन सा बैलेंस है जो बिगड़ चुका है और उसकी वजह से बीमारी हुई, वो देखना चाहिए और वो ट्रीट करना चाहिए, ना कि सिर्फ लक्षण को ठीक करना, और वो भी गलत तरीके से। तो इन्होंने पहले कहा कि ये अपोजिट ऐसी पैथी है, पैथी यानी शास्त्र और अपोजिट यानी अलोज, तो एलोपैथी यानी अपोजिट शास्त्र, जो उपचार पद्धति होनी चाहिए उसकी विपरीत शास्त्र करके इसका नामकरण है। लेकिन अगर आप आज देखोगे कि कैसे एलोपैथी काम करती है, तो एलोपैथी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड प्रूफ देखती है, मॉडर्न साइंस है, हर चीज को देखती कि वो कैसे होता है, क्या होता है, और फिर उसके ऊपर उपचार होता है। तो अगर हार्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, अगर हार्ट में ऐसी कोई, हार्ट को जो सप्लाई करने वाली जो रक्त नलिका है, उस रक्त नलिका में ब्लॉक है और हार्ट अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो एलोपैथी में क्या है, तो वो ब्लॉक क्या है, तो खून का ब्लॉक है ना, तो उस खून को पिघलाने वाली दवा दो आप,
दवा दो उसको, वो जो ब्लॉक पिघल जाए, भले उसके साथ बाकी के शरीर की कई सारी चीज भी पिघल जाए तो नहीं, वो साइड इफेक्ट तो होता ही है। अगर उससे वो पिघलता नहीं है, घुलता नहीं है, तो आप क्या करो, आप सर्जरी करो, एंजियोप्लास्टी, यानी आप तार डालो, वायर डालो और उसको निकाल लो। ये कहती है एलोपैथी। अब यूज जब आप सर्जरी करते हो तो क्या चीज होती है, क्या एनेस्थेसिया होता है, ये सब 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 जब डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसके कितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इस तरह से काम करती है एलोपैथी। और देखते हैं आयुर्वेदा के बारे में। दोस्तों आयुर्वेदा जो है ये तो उपचार पद्धति है ही नहीं। आयुर्वेदा ये जीवन जीने का शास्त्र है। आयुर्वेदा की लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे ना तो आयुर्वेदा क्या है, तो जीवन जीने का शास्त्र। ये सिर्फ आप बीमार पड़े तो बीमार को कैसे ठीक करने का, ये इतनी छोटी सी उपचार पद्धति है ही नहीं आयुर्वेदा। आप जो जिंदगी जी रहे हो उसको कैसे मैक्सिमम जी सकते हो, उसका शास्त्र है आयुर्वेदा। दोस्तों इस आयुर्वेदा को लेके आयुर्वेदा का ये कहना है, आयुर्वेदा ये बताती है हमें कि पूरी दुनिया जो बनती है ना, पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनी है। वो है आकाश, स्पेस, जल, पानी, पृथ्वी, जमीन, तेज, आग और हवा, वायु। तो इस 5 बेसिक तत्वों से पूरी दुनिया बनी है। आप कोई भी चीज इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड में लेंगे तो इससे बनी है। वैसे ही हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है। और इसी 5 तत्व, ये जो एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे बदन में 3 दोष तैयार करती है। और इन तीन दोष, ये जो 5 एलिमेंट्स है जिसे पूरी दुनिया बनी है, जिसे हमारा शरीर बना है, ये 3 दोष हमारे शरीर में तैयार करते हैं, जो जिसे हम वात, पित्त और कफ ऐसा कहते हैं। तो ये बेसिकली ऊर्जा है, दोष कहते हैं लेकिन ये बेसिकली ऊर्जा है। और हर आदमी में, हर शरीर में एक इसका एक कॉम्बिनेशन है, एक प्रोपोर्शन है। हर आदमी अलग अलग है, हर आदमी में ऊर्जा वो अलग अलग, ये आयुर्वेदा बताती है। तो आप सभी चीजों के मेजरमेंट करते हो एलोपैथी में, आपकी हाइट कितनी है, रंग कैसा है, वजन कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, वो सब ठीक है, लेकिन आप कैसे मेजरमेंट करोगे कि अगर किसी आदमी को कितना गुस्सा आता है। कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि जिसको कोई ज्यादा फिक्र ही नहीं होती, कोई कितना भी वगैरह बोलो वो अपने काम के ऊपर ध्यान देता है। कोई ऐसा हो सकता है कि जिसको जरा भी बात करे तो उसको दिल को लगती है। कैसा आप करेंगे कि किसी को दूध की एलर्जी होती है, जो दूध का कुछ भी नहीं लगता, बहुत सारे लोग आराम से खाते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप एलर्जीज की, स्किन डिसऑर्डर्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 23-35 बरस के नौजवान जिसको कोई भी बीमारी नहीं, ना कभी उसने कोई व्यसन किया, ना कोई स्मोकिंग, ना ड्रिंक, कुछ भी नहीं किया, एक्सरसाइज करता है और अचानक हार्ट अटैक करके वो मर जाता है। कई सारे ऐसे चीज है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इस मॉडर्न मेडिसिन में, लेकिन ये एक्सप्लेन करता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा कहता है कि अगर आपकी जो प्रकृति है, आपका जो अपीयरेंस है, आपकी जो जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो डिपेंड करता है कि आपकी ये 3 एनर्जी में कैसा बैलेंस है। और आयुर्वेदा का यही मानना है कि आपका ये 3 एनर्जी में बैलेंस होना चाहिए। जब भी इसमें इम्बैलेंस होता है तब तरह के आपको वो बीमारियां आती है। और आयुर्वेदा कभी भी सिर्फ शारीरिक बीमारी की बात नहीं करती। आयुर्वेदा कहती है कि ये 3 चीज होती है जो आपको, ये आपके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों जो हेल्थ है ये तय करती है। शारीरिक यानी वही सब बीमारी है जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन मानसिक भी है ना, कि आप चिंतित रहते हैं, आप खुश रहते हो, कैसे रहते हो, वो आपकी हेल्थ कैसी। दूसरी सामाजिक, यानी आप घर में अपने लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हो, ऑफिस में कैसे रहते हो, आपके रिलेटिव्स, आपके जो दोस्त लोग हैं उसके साथ आपके संबंध कैसे, वो भी एक हेल्थ है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। और इस सभी चीजों के बारे में सोचती है आयुर्वेदा। अगर आप पूछोगे कि शरीर किससे बनता है, तो आयुर्वेदा कहती है 3 चीजों से बनता है। सबसे पहले बनता है टिश्यू, यानी जिसे धातु कहा गया है। दूसरा है वेस्ट, मल उसको कहा है। और तीसरा है बायो मटेरियल, दोष है जो मैंने कहा। अब ये धातु जो है ना, ये सभी वो चीजें हैं जो आज के तारीख में एलोपैथी को पता है, सभी चीज। यानी प्लाज्मा को रस कहा गया है, ब्लड को रक्त कहा गया है, मसल को मांस कहा गया है, चर्बी है उसको मेद कहा गया है, हड्डी है उसको अस्थि कहा गया है,
मज्जा तंतु है उसको मज्जा कहा गया है, नर्वस सिस्टम, और सीमेन को शुक्र कहा गया है। और हर वो चीज आज के तारीख में जो मॉडर्न मेडिसिन पढ़ते हैं वो पूरी डिटेल में हमारे इस आयुर्वेदा में है। डिटेल एनाटॉमी है हमारे पूरे बदन की, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इस आयुर्वेदा में। दोस्तों इसके अलावा तीन प्रकार के मल है। एक तो जो मल स्टूल है वो जिसे पुरुष कहते हैं, दूसरे यूरिन जिसे मूत्र कहा कहते हैं, और तीसरी है हमारे स्वेट पसीना जिसे स्वेद कहते हैं। इसके अलावा ये तीन दोष जो मैंने आपको बताया, इन तीन दोष से ये तय करते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हो और किस तरह की बीमारी आपको हो सकती है। अगर आपको बीमारी होती है तो इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जब आयुर्वेदा की बात है तो आयुर्वेदा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये पूरा शास्त्र जो हमें बताती है सिखाती है, वो ये सिखाती है कि आपको कैसे आपके पूरे जीवन में जीना चाहिए। और वो जीवन जीने का मतलब है आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से कैसे होना चाहिए। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप एक मनुष्य, आप जब व्यक्ति हो तब आप इस समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ, कुछ अच्छी जिंदगी जी पाओगे और कुछ ये जिंदगी ये जगह बेहतर कर पाओ। तो दोस्तों ये जो है ना सिर्फ बीमारी को ठीक करने वाले उपचार शास्त्र, इससे कई 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 आगे है आयुर्वेदा। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया के लिए इन्होंने हेल्थ स्वास्थ्य की जो व्याख्या रखी है वो क्या रखी है, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य यानी क्या, तो स्वास्थ्य यानी सिर्फ आपके बदन में बीमारी का न होना, ये स्वास्थ्य नहीं है। तो आप पूरी तरह से आपकी शारीरिक मानसिक और सामाजिक अच्छा होना, ये स्वास्थ्य उन्होंने कहा। और ये मूलभूत अधिकार है हर व्यक्ति का कि वो अपने जीवन में, चाहे वो किसी भी पंथ का, धर्म का, पॉलिटिकल पार्टी का, इकोनॉमिक का, कुछ भी हो, लेकिन हर व्यक्ति अपना शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य अच्छी तरह से जिए, ये इसका मूलभूत अधिकार है। दोस्तों हजारों सालों से ये ही तो आयुर्वेदा कहती आ रही, आयुर्वेदा कहती है कि ये सिर्फ आप, यानी आप अभी अच्छे दिख रहे हो, इसका मतलब आप 100% अच्छे हो क्या? आयुर्वेदा कहते हैं कि आप जो कर सकते हो, मैक्सिमम जो हेल्थ है वो कैसी जीनी चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल ये शास्त्र है हमारा। यही चीजें जो आज WHO सबको बता रही है कि ऐसा होना चाहिए, जो WHO को शायद अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले समझा होगा, आयुर्वेदा हजारों सालों से दुनिया को बता रही है। आयुर्वेदा का जो इतिहास है वो कम से कम 6000 साल पुराना है, क्योंकि उसका पहला जो संदर्भ है वो 6000 साल पहला है। लेकिन इस आयुर्वेदा को लेके दो अलग 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 तरह के मत प्रवाह है। एक प्रवाह बोलता है कि आयुर्वेदा एक उपवेद है जो अथर्ववेद से निकलता है, लेकिन दूसरा जो काफी बड़ा ऐसे मत प्रवाह है वो कहते हैं कि आयुर्वेदा उपवेद है नहीं, वो प्रॉपर पांचवा वेद है। आयुर्वेदा पांचवा वेद है, जैसा आपका कृवेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, वैसे पांचवा वेद है आयुर्वेद, जो व्यक्ति को हमें जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, स्वास्थ्य कैसे रखना चाहिए, उसके बारे में पढ़ाता है। दोस्तों अथर्ववेद में तो इसमें लिखा है, लेकिन ऐसे कई ग्रंथों का निर्माण उस वक्त हुआ है, और उसमें वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर कोई है तो उसका नाम है चरक संहिता। इस ग्रंथ का निर्माण ईस्वीसन पूर्व 200 से लेके ईस्वीसन बाद 200, यानी 400 साल में तो एक ग्रंथ बना है। ये जो ग्रंथ है इसके 8 बुक है, 121 अलग अलग विषय है, जिसमें सब कुछ है। इतने विषय किसी भी आज के मॉडर्न पद्धति में है ही नहीं, यानी हमारी इस बॉडी, ह्यूमन बॉडी को लेके एंशियंट थियरीज, सभी थियरीज है। कोई भी बीमारी जब होती है तो उसके पास क्या वजह होती है, क्या कारण है, उसके पीछे बहुत बड़ी वो विषय है। अगर कोई बीमारी होती है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, वो भी डिटेल में इसमें लिखा है। फिर अगर ये बीमारी होती तो आप क्या क्या कैसे कैसे इलाज कर सकते हो, क्या क्या उपचार पद्धति कर सकते हो, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग है। मेडिकल एजुकेशन, यानी यही ज्ञान, यही वैज्ञानिक हेल्थ का जो ज्ञान है,
वो अगर हमें आगे की जनरेशन को देना है तो किस तरह से एजुकेशन होना चाहिए, ये भी उसमें लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट, हाइजीन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, यानी दवाई से ज्यादा आप कैसे अच्छा न्यूट्रिशन और खाना खाके कैसे आप बीमारियों को दूर कर सकते वो इसमें लिखा है, कैसे बीमारियों को आप अवॉइड कर सकते वो इसमें लिखा है, और टीम वर्क, यानी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं तो डॉक्टर के साथ जब नर्सेस और बाकी सब चीजें मिलकर जब टीम होता है तो कैसे आप किसी बीमारी को ठीक कर सकते, वो सब इस चरक संहिता में। आज के मॉडर्न हमने देखो, मैं आपको बताऊं, मैं जब बोलता हूं कि मैं डॉक्टर श्याम गोला, मैं एक्चुअली मेडिकल डॉक्टर, मैं कोई बायोफिल का मैंने उसमें डॉक्टरेट नहीं किया, मैंने एक्चुअली एमबीबीएस किया है। महाराष्ट्र का जो सबसे नंबर वन जो इंस्टीट्यूट है जीएस मेडिकल कॉलेज केईएम हॉस्पिटल, उसमें मैंने एमबीबीएस किया, एमडी गायनेक में कर रहा था। तो मैंने हम लोगों ने जो भी एमबीबीएस में सीखा है वो सभी विषय उस चरक संहिता में मौजूद है। यहां तक के आगे जाके कोई भी अगर आप वैद्य बने हो और आपको प्रैक्टिस करनी है तो उस प्रैक्टिस के चार अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें होती है। नंबर वन पेशेंट, तो कैसे पेशेंट हो सकता है, किस उम्र का हो सकता है, किस तरह से आपके सामने आ सकता है, क्या क्या पेशेंट के बारे में पूरी डिटेलिंग है। वैद्य को कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसने कैसे कैसे काम करना चाहिए, कौन से अलग अलग चीजें हैं, उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ उसके बारे में। नर्स, यानी नर्स को क्या पढ़ना चाहिए, उसने क्या काम करना चाहिए, कौन सी उसकी जिम्मेदारी है, ये डिटेलिंग में वहां चरक संहिता में लिखा है। एंड ऑफ कोर्स उपचार पद्धति, अलग अलग मेडिसिन। दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आप सोच नहीं सकते कि जब कोई वैद्य किसी पेशेंट को ठीक करने जाता है तो उसके साथ उसका कैसा बर्ताव होना चाहिए, उसके बारे में लिखा है चरक संहिता में। उन्होंने लिखा है कि अगर किसी फीमेल पेशेंट को अगर आप एग्जामिन करते हो तो कंपल्सरी आपके साथ कोई महिला होनी चाहिए। अभी कौन इतने डिटेल में जाता है बताइए आप, इतनी डिटेलिंग हमारे चरक संहिता में। और सभी की ये जो चरक संहिता, यानी ऐसा समझे कि मेडिसिन फिजियोलॉजी, तो मेडिसिन जो है तो मेडिसिन में सभी जो सब्जेक्ट्स है वो, और मैक्सिमम में जो बीमारी है वो कैसे आप सिर्फ अच्छा खाना खाके ठीक कर सकते हो, ये कहा गया है चरक संहिता में दोस्तों। और अगर ये मेडिसिन है तो सर्जरी के लिए जो ग्रंथ बना है, जो पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। दोस्तों सर्जरी के लिए, शस्त्र क्रिया के लिए ये जो डेडिकेटेड ग्रंथ है, इसका निर्माण हुआ है 600 साल पूर्व से, ईस्वी सन पूर्व 600 साल से लेके ईस्वी सन बाद का 600 साल, यानी अगर किसी चीज को बनने के लिए 1200 साल लगे तो क्या किसी ने सिर्फ एक जगह बैठ के उसको लिखा होगा क्या? हर चीज, हर शब्द अगर उन्होंने लिखा होगा हजारों बार, सैकड़ों बार उन्होंने किया होगा, उन्होंने किया होगा, देखा होगा, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, रिसर्च किया होगा, सब कुछ जो जो चाहिए आपको वो सब कुछ उन्होंने किया होगा। ऐसे कैसे कोई 1200 साल में कोई ग्रंथ का निर्माण करता है बताइए आप, और कैसे ऐसे 1200 साल जिसको लिखने के लिए बना है, ऐसे इसको कैसे आप अनसाइंटिफिक कह सकते हैं, आप बताइए कैसे कह सकते हैं कि विज्ञान के ऊपर आधारित नहीं है। ये सुश्रुत संहिता के मैं आपकी आपको बात बताता हूं कि 6 बुक्स है इसके अंदर, अलग अलग किताबें हैं, 184 सब्जेक्ट्स है, विषय 184, इसमें 300 चैप्टर सिर्फ शस्त्रक्रिया को, 300 अलग अलग शस्त्रक्रिया उसको विशद किया है डिटेलिंग में। इस 300 में से 120 जो सर्जरीज है, 120 जो शस्त्रक्रिया है वो सिर्फ लिम्ब यानी एक्सट्रीमिटीज, यानी अपने हाथ और पैर के ऊपर अलग अलग तरह की 120 शस्त्रक्रिया सुश्रुत संहिता में है। तो सोच सकते क्या नॉलेज था हमारा, 120 सारे क्या क्या होगा, 120 इतनी छोटी छोटी शस्त्रक्रिया हो सकती है जो उसमें है। 117 तो सिर्फ पेल्विक एरिया में है, 117 शस्त्रक्रिया डिटेल्स हमारे सुश्रुत संहिता में है। पेल्विक एरिया ने कौन सा, पेट के नीचे का एरिया। 63 यानी गर्दन और ऊपर का जो भाग है जिसे हम HFN कहते हैं, हेड फेस ने कहते हैं, वो यहां 63 शस्त्रक्रिया। 700 मेडिसिनल हर्ब्स है, 700 ऐसे ऐसी दवाएं जिसके बारे में डिटेल में लिखा गया है कि कैसे सर्जरी के बाद आपको नून्स को ठीक करना है,
दोस्तों आज भी जो सर्जरीज होती है, आज भी जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उस ऑपरेशंस को वो फॉलो करते हैं। मीन जो सुश्रुत ने उन्होंने लिखा है उस ग्रंथ में, उस ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं हम लोग आज भी। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अभी जो डॉक्टर्स हैं उनको पता होगा कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। सर्जरी करने के लिए उनके खुद एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो सभी इंस्ट्रूमेंट हजारों साल पहले हमारे इस आयुर्वेदा ने तैयार करके रखे हैं। और ये नॉलेज इतना ज्यादा था, इतना आगे था, भले ही हर अपने संस्कृति के अपने अपने एक उपचार पद्धति थी, लेकिन आयुर्वेदा एक पूरा शास्त्र था। पूरी दुनिया के लोग आते थे ये आयुर्वेदा पढ़ने के लिए हमारे देश में। विश्वविद्यालय थे, सालों तक बैठते थे और इस चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का काम करते, उसको पढ़ते थे। लेकिन कुछ लोगों ने इसका ट्रांसलेट भी किया, अरेबिक में किया, पर्शियन में किया, और बाद में ये नॉलेज फिर इजिप्ट में, यूरोप में चला गया, ये नॉलेज चाइना में भी चला गया। जब चाइना में बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, तब जो बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, हमारे बुद्ध भिक्कू जी ने कहते हैं, उनके साथ हमारे आयुर्वेदा का नॉलेज भी चाइना में चला गया। आज भी ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आंखों से रिलेटेड जो भी चीजें थे, बहुत सारी चीजें हमने जो आयुर्वेदा में, वो अभी भी फॉलो करते हो। आज की तारीख में जो भी बीमारी आपको लगती है, सभी बीमारियां उसमें मौजूद है। सभी बीमारियों के बारे में विशद उसमें कथन है, वर्णन है, हार्ट से लेके डायबिटीज से लेके हाइपरटेंशन से लेके सब कुछ उसमें है। ये सभी जो ब्लड के जो डिटेलिंग है, अगर किसी को लगता होगा ये तो सिर्फ कॉस्मिक वगैरह बोलते हैं, एनर्जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन आपको जो भी अंदर ब्लड, लिम्फ, प्लाज्मा और हर कोई चीज, हर कोई पेशी अगर आपने पढ़ी है तो वो उस आयुर्वेदा में है। लेप्रसी का सबसे पहले मेंशन इस आयुर्वेदा में। तो दोस्तों इस तरह से आयुर्वेदा है। और आयुर्वेदा की उपचार पद्धति, निदान पद्धति, यानी आपको कौन सी बीमारी है ये समझने के लिए डायग्नोसिस, इसके लिए तो पूरी डिटेलिंग है आयुर्वेदा में। आज के तारीख में ये मॉडर्न साइंस में अगर आप जाओगे, किसी डॉक्टर के पास जाइए, तो वो आपको पूछेगा क्या होगा और उसको क्या करेंगे, कोई आपको एक लंबी लिस्ट थमा देगा कि आपको ये सब करो, इसके सब टेस्ट करो, ये जांच करो, उसके रिपोर्ट्स लेके आओ, तब मैं देखूंगा कि आपको बीमारी क्या है। लेकिन आयुर्वेदा में इतनी डिटेलिंग दी है, मैं आपको बताता हूं। नाड़ी परीक्षण, आपको क्या लगता है कि नाड़ी परीक्षण यानी सिर्फ कितने हार्ट बीट्स है मिनट को, उसे इतना समझता है? बिल्कुल नहीं। उस नाड़ी परीक्षा से पूरी आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसके बारे में समझते, आपका हार्ट रेट कम है ज्यादा है वो तो है ही, लेकिन किस तरह से वो पंप हो रहा है, किस तरह से आपकी ब्लड वेसल्स है पूरे बदन में, किस तरह से आपका खून जा रहा है नहीं जा रहा है, वो सब दिखता है आपका। आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप सोचते हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हुआ तो क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। कैसे होता है? बिकॉज कोलेस्ट्रॉल से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ये जो सब नसें है ना वो जो हार्ड हो जाती है, कि पूरा समझता है। आपने प्रॉपरली अगर नाड़ी परीक्षा कर की तो ये पूरी चीज सिर्फ नाड़ी परीक्षा से समझते। आपको बुखार है कि नहीं ये भी नाड़ी परीक्षा से समझता है। आपके अंदर कोई बीमारी है, इन्फेक्शन है, ये भी आपको समझता है सिर्फ नाड़ी परीक्षा से। तो पूरे बदन की ये जो हार्ट और ये पूरा रक्ताभिसरण जिसे हम लोग कह सकते हैं सर्कुलेशन, ये समझता है नाड़ी परीक्षा से। मूत्र परीक्षा, यूरिन एग्जामिनेशन, यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि किडनी फंक्शन कैसे कर रहे हैं उसकी परीक्षा, लेकिन आपके बॉडी में आपकी कैसी कैपेसिटी है कि बॉडी को जो चीज नहीं चाहिए, जो टॉक्सिक एलिमेंट है जिससे बीमारियां होती है, ऐसी चीज कितनी एफिशिएंटली बॉडी अपने बदन से निकाल रही है, ये समझ में आता है यूरिन से। तो यूरिन के जब एग्जामिनेशन आयुर्वेदा में होता है, तो आयुर्वेदा में ऐसा एग्जामिनेशन होता है कि किस तरह से आपकी बॉडी वो कार्य कर रही। स्टूल, मल का एग्जामिनेशन, दोस्तों हम लोग जब खाना खाते हैं अगर उसका अच्छा डाइजेशन हो तो वो सब जीवन सत्व हमें मिलते हैं ना, विटामिन, मिनरल, सब कुछ, और सभी जो सिस्टम अगर अच्छा हो, अगर आपने सुना भी होगा वो कहावत जो आज भी कहते हैं लोग कि पेट सपा हर रोग दपा, और वो सही है। अगर आपका पूरा सिस्टम अच्छा है ना तो आप बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और यही पूरा समझ में आता है उस स्टूल एग्जामिनेशन से। जीवा यानी जीभ की एग्जामिनेशन जो है, तो मुझे तो लगता है कि बचपन में सिर्फ मैंने देखा होगा, लेकिन आज कौन देखता है जीवा, अब बताइए मुझे। लेकिन जीवा एक ऐसी चीज है कि जिससे आपको अंदर की, यानी जीवा एक
एक सिर्फ ऐसा पार्ट है जो आपको अंदर के शरीर को दिखाता है कि अंदर क्या चल रहा है, आपको कितना खून है, पीलिया है, आपका कितना, बहुत सारी चीज है, आपकी विटामिन की कमी है क्या, सब कुछ ये आपकी जीवा दिखाता है। यानी जीवा शास्त्र भी इतना डिटेलिंग है आयुर्वेदा में कि आप हैरान हो जाओ। शब्द हमें पता है कि सर्दी से लेके अगर ऊपर लंग का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारी जो आवाज है वो अफेक्ट हो जाती है। आयुर्वेदा में जो आयुर्वेदाचार्य होते हुआ करते थे वो आपके शब्दों से आपको उनको पता चलता था कि आपको ऊपर की कोई प्रॉब्लम है क्या। स्पर्श, अलग अलग तरह के स्पर्श के एग्जामिनेशन वो, और ये सब कुछ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको जांच करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। यहां आप एक हल्का सा स्पर्श भी होता है और बहुत जोर से वो रिफ्लेक्स के लिए भी देखते हैं। तो पूरा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी MRI सीटी स्कैन हो तब थे क्या, लेकिन आज भी अगर इसको अच्छी तरह से फॉलो करें तो आपका कौन सा पार्ट किधर क्या प्रॉब्लम है ये दिखा सकता है आयुर्वेद, और इसकी डिटेलिंग आयुर्वेद में है। द्रुक यानी विजन, तो विजन भी सिर्फ आंखों से नहीं, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, तो पूरे उस सिस्टम की जांच होती है द्रुक एग्जामिनेशन। अपीयरेंस आकृति, यानी जिस तरह से आप दिख रहे हो, जिस तरह से आप आ रहे हो, जिस तरह से आप चलते हो, जिस तरह से आपकी कोई चीज है, उस पूरी चीजों से फिर क्या क्या अनुमान होता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ये पूरा आयुर्वेद में है। और ये निदान पद्धति आयुर्वेद में डिटेलिंग में है। और अगर आप ब्रांचेस की बात करोगे कि आयुर्वेदा की कौन कौन से ब्रांचेस है, तो दोस्तों आज आप जो भी इस सो कॉल्ड मॉडर्न मेन स्ट्रीम साइंटिफिक एलोपैथी में आज की तारीख में जो जो विषय है, वो सभी विषय हजारों साल पहले अपने आयुर्वेदा से है। सभी मेडिसिन है, सर्जरी है, कान ना घसा यानी ENT है, ऑफ्थेल्मोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, गायनेक एंड ऑप्स है, प्रसूति शास्त्र, टॉक्सिकोलॉजी है, साइकेट्री है, जीरियाट्रिक्स है, जैसे बच्चों का शास्त्र होता है पीडियाट्रिक्स, वैसे बूढ़ों का शास्त्र होता है जीरियाट्रिक्स, वो डिटेलिंग में है आयुर्वेदा में। सेक्सोलॉजी यानी सुपर सुपर जो स्पेशलाइजेशन बोलते हैं ना, वो सब कुछ है हमारे आयुर्वेदा में। और थेरेपीज, तो कौन सी उपचार पद्धति आयुर्वेदा में उपयोग, उसका उपयोग होता है, तो पहले जानते हैं मेडिसिन के बारे में। दवाई, तो जो भी दवाई आयुर्वेदा में है 90% जो दवाई है वो हमारी वनस्पति के बेस पे, मैक्सिमम वनस्पति सभी 90% वनस्पति है, और 10% अगर कोई दवाई है तो वो है हमारे जानवरों से आती है, यानी गाय से आती है, बकरे से आती है, गाय का दूध, बकरे का दूध, वो घी, देसी घी। अब इनके कितने सारे औषधि उपयुक्त है, उपयुक्तता है, जब पढ़ोगे तो आपको पता चले। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट आयुर्वेद में कहा गया है वो है आपका खाना, आपका न्यूट्रिशन, आपका डाइट। अगर आपका डाइट, आपका खाना अगर सही है, अच्छी तरह से अगर आपको आप खाते हो, तो आपको जो बीमारी वो निकल तो जाएगी लेकिन आगे बीमारी भी नहीं होगी। तो आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है कि जो आपके पूरे जीवन भर आपका ख्याल रखता है। दूसरा मेडिटेशन, अभी मेडिटेशन तो पूरे सभी धर्मों में अगर आप देखो तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक ऐसी उपचार पद्धति है कि जो उपचार पद्धति से आपकी मैक्सिमम जो आपके मेंटल यानी आपका ये जो मानसिक बीमारियां है वो कम होती, निकल जाती। और मानसिक यानी मैं आपको बोलता हूं कि कई सारी बीमारियां आज की तारीख में मानसिक से शुरुआत होती है। हमारे यहां मेडिकल में इसको साइकोसोमेटिक कहते हैं। आपकी सिंपल एसिडिटी भी, एसिडिटी से लेके ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कितनी सारी चीजें हैं जो इस मानसिक बीमारी से होती है। आज भी अपने एलोपैथी में आप देखोगे तो डॉक्टर्स वही आपको बताएंगे। और इन सभी चीज में वो रात की सोने की गोली लेने की जरूरत थी, ये ऐसी उपचार पद्धति आयुर्वेदा ने बताई है। मेडिटेशन एंड ऑफकोर्स योगा, कितने सारे हजारों मेरे पास एग्जाम्पल, यानी आपने भी आजू बाजू देखे होंगे कि जिन्होंने क्रोनिक इलनेसेस, ऐसे ऐसे इलनेसेस जो है जिनके पास कोई उपचार पद्धति नहीं, दवाई नहीं बनी, ऐसी सब चीजें योगा से अच्छी होती है, जो अच्छी की है। इसके आगे है मसाज। मसाज भी भारत ने, इस आयुर्वेदा ने पूरी दुनिया को दिया हुआ एक
एक गिफ्ट है ऐसा समझ सकते हैं कि कैसे मसाज से आप अनेक बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकते हो और कैसे रेगुलर मसाज से आप अच्छे रह सकते हो। इसके अलावा लैक्सेटिव्स यानी ऐसी दवाइयां जो आपका ये पेट सफा करता है, वो इसका डिटेलिंग है आयुर्वेदा में। और जैसा हमने देखा अभी कि पेट सफा हर रोग दफा, तो ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आयुर्वेदा ने दी है। और आप खुद भी ये आपको हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्सेटिव्स। और अगर उस दवाई से आपका पेट सही नहीं होता तो एक ऐसी उपचार पद्धति है कि जिसमें आपको एक विशिष्ट पोजीशन में पानी डाल के उसको साफ करते हैं, जिसको हम लोग एनीमा कहते हैं, ये भी आयुर्वेदा में डिटेलिंग में है। और मेडिसिनल ऑयल्स दोस्तों, ये जो पाउडर, ये जो टैबलेट्स आप लोग लेते हैं ना, इससे ज्यादा कोई किसी वनस्पति की जो आयुर्वेदिक वनस्पति है उसका जब तेल लेके अगर आप उसका उपचार करोगे तो आपको पता नहीं उसके कितने ज्यादा अहम ऐसे रिजल्ट्स है। तो ये सब उपचार पद्धति है, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जब कोई बीमारी ठीक करते है, कोई किसी पेशेंट को ठीक करता है ना, तो आयुर्वेद क्या करता है, तो पहला प्रिंसिपल तो आपके जो शरीर में जो इम्बैलेंस है, ये जो तीन कफ वात पित्त ये चीज है, इसका जो बैलेंस तैयार कर पहले रिस्टोर करने का काम, ये पहला प्रिंसिपल है आयुर्वेदा का। दूसरा प्रिंसिपल है कि आपके बदन में अगर कोई डिफिशियंसी है तो उस डिफिशियंसी को करेक्ट करता है आयुर्वेदा। यानी अगर आपको कुछ अल्सर्स आ रहे हैं, आपको कुछ स्किन आपकी अच्छी नहीं है, तो आयुर्वेदा सिर्फ उस स्किन के ऊपर लगाने वाला लोशन नहीं देगा, आयुर्वेदा देखेगा कि किसकी वजह से है ये, किसकी वजह से ऐसी स्किन हो रही है, किसकी वजह से ऐसा सब प्रॉब्लम है, बालों का अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आयुर्वेदा वो डिफिशियंसी करेक्ट करने के लिए आपको दवा देगा। और सिर्फ दवा नहीं देगा, आयुर्वेदा ये देखेगा कि कैसे वो सब चीजें आपको खाने से मिलेगी, तो वो डिफिशियंसी खाने से वो नीट करती है। इम्यून सिस्टम दोस्तों, कितना जरूरी है इम्यून सिस्टम, यानी हमारे जो प्रतिकारक शक्ति, हमारे बदन में इतनी सारी प्रतिकारक शक्ति है कि आप सोच नहीं सकते, कोई बीमारी छू भी नहीं सकती, इतना कुदरत ने हमें दिया है, बनाया है इसे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने सुना होगा कि जो ब्रेन है, ब्रेन का हम इस्तेमाल, ये जो दिमाग है इसका इस्तेमाल पूरे पूरे हमारे जीवन में सिर्फ 2-3% करते हैं, यानी 97% हम लोग तो ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो वैसे ही चीज है हमारे पूरे बॉडी में। और कोरोना में हमने देखा भाई, कोरोना जैसे कई सारे वायरस जो है भाई, वायरसेस के अभी इन्फेक्शन आते हैं आपको मौत पर, आपने देखा वो बर्ड फ्लू हो, कोरोना हो, काफी सारे ये जो वायरसेस आते हैं ये आपके बदन में आएंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो 2-3 दिन आपके बदन में रहेंगे, निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ इन्फेक्शन या कुछ ऐसे वायरस आके कुछ मेरे बदन में रुके थे कुछ दिन। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो फिर आपको वो बीमारी होती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है ना, तो आपको कोरोना वायरस हो, उसको ओमिक्रॉन हो या कोई भी उसका वेरिएंट हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेदा उसके ऊपर काम करती है, पूरी दुनिया काम करती है लसीकरण के ऊपर, आयुर्वेदा इसके ऊपर काम करे जो सबसे बड़ा लसीकरण है। अगर आपकी इम्यूनिटी सही है, अब ये देखो टीबी के तो जो विषाणु है हर जगह है, आपके आजू बाजू सब जगह है, आप जहां बैठे हो वहां भी आजू बाजू टीबी के विषाणु है। लेकिन मोमेंट आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो वो आपको टीबी होगा, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको टीबी नहीं होगा। तो ये बेसिक जो चीजें है वो आयुर्वेद में उन्होंने किया है, और इसके ऊपर उपचार पद्धति है कि कैसे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए और बेहतर करे। तो आयुर्वेदा इज कॉम्प्रेहेंसिव हेल्थ है, आयुर्वेदा कोई उपचार पद्धति नहीं है कि इतना छोटा सा काम किया उसका भाग ठीक किया बस हो गया। अरे कैसे आप जिंदगी जियोगे पूरी जिंदगी भर, कैसे आपका मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसके बारे में उसका ख्याल रखता है आयुर्वेदा। और इस आयुर्वेदा के ऊपर ऑब्जेक्शंस क्या है, तो जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेदा के ऊपर ऐसा ऑब्जेक्शन है, अभी लोग ने लिखते है, देखा आपने, देखा ओपनली लिखा है उन्होंने, स्टार्टिंग लाइन है कि आयुर्वेदा इज अनसाइंटिफिक। तो मुझे तो लगता है ये लोगों ने अभी पढ़ा नहीं कि आयुर्वेदा क्या है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, हम लोगों ने जिन्होंने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कुछ करना चाहिए, हमें ही पता नहीं आयुर्वेदा क्या है, कौन पढ़ता है आजकल आज की तारीख में आयुर्वेदा। दूसरा, इस आयुर्वेदा को लेके कुछ ये नहीं है, कुछ एविडेंस नहीं, प्रूफ नहीं हमारे पास, वो ग्रंथ है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी ग्रंथ को बनने के लिए जब
600 साल लगते हैं, 1200 साल लगते हैं, तो ऐसे बन ही नहीं सकता। लेकिन एक सही है, जैसा अभी मैडम ने कहा, रिकॉर्ड नहीं हमारे पास। ये सब कुछ अगर उन्होंने किया होगा, सब कुछ लिख के रखा भी होगा, तो वो पूरा जला के खाक कर दिया अंग्रेजों ने। कुछ रखा नहीं है हमारे पास, सब नॉलेज वहां लेके गया और अभी हमको वो सिखा रहे। पूरी दुनिया कहती है कि इस आयुर्वेदा में बहुत सारे हेवी हार्मफुल मेटल्स होते हैं, और ये ऐसे मेटल्स होते हैं कि जिसके वजह अगर आप आयुर्वेदा को खाएंगे तो आपको बीमारी होगी और इरिवर्सिबल प्रॉब्लम्स हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बाकी सब बच्चे में पहले होंगे, ऐसे ऐसे सभी जगह बोलते हैं। अभी कहां से आते हैं हेवी मेटल्स, आप बताइए मुझे। ये जो आयुर्वेदा के अंदर आज आज हमारी परिस्थिति क्या है, मैं आपको आयुर्वेदा के अंदर जो भी आज प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत सारे लोग तो उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की होती। कितने सारे बीएमएस होते हैं जो प्रॉपरली 100% सिर्फ आयुर्वेदा फॉलो करते हैं। बीएमएस लोग यानी जैसे एमबीबीएस होते हैं वैसे एलोपैथी के एमबीबीएस होते हैं, जैसे वैसे ही आयुर्वेदा पढ़ने वाले बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं, और वो बीएमएस डॉक्टर भी अपनी होम्योपैथी छोड़ के वो हमारे इंजेक्शन इसमें उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जल्दी इफेक्ट मिलता है। अभी मैं इंजेक्शन लगाया तो इमीडिएटली उसका बुखार निकल जाए। तो वो छोड़ के कई सारे ऐसे लोग हैं जो कौन सा मिश्रण बनाते हैं, क्या करते हैं और भेजते हैं, और उससे नाम खराब होता है। कहां से आएंगे मेटल्स? मेटल की कोई चीज नहीं है, हम ही लोगों ने इसको खराब करके रखा है। और इसीलिए अमेरिका ने बैन किया 2008 के बाद कि कोई भी ऐसा आयुर्वेदा का प्रोडक्ट आएगा तो हमारे परमिशन वैलिड से नहीं आएगा, और इसमें हेवी मेटल होते तो उसको आप यूज ही मत करो, इस्तेमाल ही मत करो, ऐसा अमेरिका कहती है। कनाडा ने तो पूरी तरह से उसको बंद किया है, आयुर्वेदा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं, उसमें केमिकल्स है। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे चीज है कि जिन्होंने रेस्ट्रिक्शंस रखे कि आयुर्वेदा को प्रोडक्ट हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे, और इसको ऐसे बनाने वाले हम लोग ही हैं। आज के तारीख में हजारों लोग आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ हमारे गांव में, शहर में, हर जगह। कितने लोगों ने साइंटिफिकली वो सब चीजें पढ़ी है और वो करते हैं, ये आप देख सकते हैं। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग तो उन्होंने कोई दवाई यानी कोई पढ़ाई भी नहीं की होती, और वैसे आयुर्वेदा के नाम पे वो कुछ भी देते हैं। और इन सब चीजों से हमने अपना खुद का नाम खराब करके रखा, आयुर्वेदा का नाम खराब करके रखा। और ये जब चीजें, ये जो रेस्ट्रिक्शंस है पूरे दुनिया के, ये सब हमने ही तैयार किया है ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इस आयुर्वेदा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हर्बल मेडिसिन के बारे में। अभी अगर अमेरिका बोलती है कि कोई भी आयुर्वेदा की दवाई नहीं आनी चाहिए, तो क्यों अमेरिका और अमेरिका सहित सभी देश क्यों उस हल्दी के ऊपर काम करते हैं, बताइए आप मुझे। हल्दी के, अभी मैं आपको स्टोरी बताऊं कि अमेरिका में दो साइंटिस्ट थे और उनकी पूरी टीम, इन्होंने हल्दी के ऊपर रिसर्च किया, और हल्दी के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने फिर पाया, उन्होंने देखा कि हल्दी के कितने सारे गुणकारी चीजें हैं, इतने सारी इसकी सारी चीजों के ऊपर हल्दी चलती है, हल्दी में कितने सारे मेडिसिनल इफेक्ट है, अगर हल्दी इस्तेमाल कर तो कोई केमिकल लेने की जरूरत नहीं, ऐसा उन्होंने लिखा। और वहां अमेरिका के गवर्नमेंट को उन्होंने बोला कि हमको पेटेंट चाहिए हल्दी का, क्योंकि हल्दी में इतनी सारी औषधि वनस्पति, इतना सब कुछ है हल्दी में, तो हम लोग पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, तो इसका पेटेंट हमारे नाम पे हो। और अमेरिका के गवर्नमेंट ने दिया अभी उनको पेटेंट 1995 में हल्दी का पेटेंट। अभी मुझे बताइए आप, आज भी हमें हमारे घर में किसी को भी अगर कुछ जख्म होती लगता है तो पहले हम लोग उसको उसमें हल्दी लगाते, क्योंकि हमको पता है कि अगर हल्दी लगाएंगे तो खून बंद हो जाए, हल्दी लगाएंगे तो कोई इन्फेक्शन नहीं हो। आज भी अगर सर्दी खांसी होती है, कोरोना में भी जिसको भी खांसी थी वो सुबह शाम गर्म दूध में हल्दी डाल के हम लोग पीते थे। अभी ये चीज क्या हमने कभी किसी से पढ़ी है, क्या कुछ किताबें पढ़ी बातें हमको पता चले? नहीं, ये तो हमारा कल्चर है, ये हमारी माँ ने बताया, हमारी नानी ने बताया, दादी ने बताया, और उसके हमारे दादी को उसके दादी ने बताया, तो ये हमारा कल्चर है, आयुर्वेद हमारा कल्चर है। और ये बात जब हमारे यहाँ समझ में आई तो हमारे यहाँ हमारे देश के एक बहुत महान ऐसे साइंटिस्ट है जिनका नाम है रघुनाथ माशेलकर साहब, जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर है जिनको हम लोग सब पूछते हैं, तो वैसे ही बहुत महान साइंटिस्ट में से ये है रघुनाथ माशेलकर साहब, पद्मश्री, पद्मभूषण, वो सब। 1995 ने जब अमेरिका ने ऐसा हल्दी का पेटेंट उनको दिया,
उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ही चले गए और उन्होंने कहा कि ये नहीं, और उन्होंने पूरे हमारे पूरी पढ़ाई की, हमारे जो संदर्भ ग्रंथ थे उनसे सब संदर्भ निकाले, एविडेंस सब निकाले, सबूत तैयार किए पूरी तरह से और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट को उन्होंने पेश किए। अब ये आसान नहीं था 1995 में जब ऐसा सब हुआ, तो उसके खिलाफ अमेरिका के पास जाना और 2 साल तक उन्होंने लड़के उसके खिलाफ वो केस जीतना, और उन्होंने केस जीती और वो पूरा पेटेंट उन्होंने अपने देश के नाम पे किया। तो अभी जो पेटेंट है हल्दी का पेटेंट, वो किसी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं है, तो हमारे भारत देश के नाम पे दोस्तों। और इतना ही नहीं, आज पूरी दुनिया काम कर रही है नीम के ऊपर, कड़ू नीम। जानते आप कड़ू नीम के कितने बेनिफिट्स, स्किन से लेके आप हेयर से लेके डाइजेशन से लेके कैंसर तक, पूरी दुनिया उसके ऊपर काम कर रही, पूरी दुनिया काम कर रही है हमारे इस काली मिर्च के ऊपर, जो हमें को तो पता नहीं, हम ज्यादा उसमें कुछ करते नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि कितने इसके इंपॉर्टेंस है। लोग काम कर रहे हैं इस ब्राह्मी के ऊपर, हमारे नॉर्मल तेल में अगर आपने ब्राह्मी का तेल डाला और वो लगाया तो आप उससे ब्रेन उसकी मेमोरी अच्छी होती है, और ये नहीं पूरी दुनिया को भी ये पता चल गया जब उन्होंने इसके ऊपर काम किया। अभी इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं एलोवेरा, एलोवेरा से स्किन के कई सारी चीजें अच्छी हो सकती है, ये इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। जिंजर यानी अदरक, अदरक से ओबिसिटी कम होती है, तो कई सारे प्रोडक्ट इस अदरक बेस्ड अभी आ रहे हैं। सिट्रस यानी ये जो मौसमी संतरा है उसकी जो खाल है, उस खाल से जो तेल बनता है वो तेल असाध्य, जो स्किन डिसीजेस है यानी सोरियासिस वगैरह, ऐसी कुछ बीमारियां है जिसके बीमारी के ऊपर हमारे इस प्रॉपर सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस में दवाई नहीं है, तो उस चीजों के ऊपर ये दवा करती है काम तेल। हिमालय में कुछ ऐसी जड़ी बूटी है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी एचआईवी पेशेंट के ऊपर भी काम करती है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में कहीं इलाज ही नहीं है, और उस हिमालय की जड़ी बूटी उसके ऊपर काम करती है। तो ये टीबी एचआईवी जैसे आपकी इम्यूनिटी कम होने के बाद जो ऐसे असाध्य रोग होते हैं ना जिसके ऊपर कोई दवा नहीं आज की तारीख में, वह हिमालयन जड़ी बूटी काम करती है जिसके ऊपर अभी दुनिया काम कर रही है। तो दोस्तों ये पूरे अगर हजारों सालों से हमारे पुरखों ने ये सब तैयार किया है, तो ये बहुत मेहनत के साथ, बहुत रिसर्च के साथ, साइंस के साथ तैयार किया है। हर चीज को बेसिस है, हर चीज में विज्ञान है। 95 में जो अमेरिका ने किया वो अच्छा हुआ, हम लोग थोड़े रघुनाथ माशेलकर साहब ने फिर लीड लिया, और उसके बाद ये पूरा जो हमारा आयुर्वेद अनुसंधान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने मिलके फिर 2009 तक 2 लाख ऐसी मेडिसिन की लिस्ट तैयार की। 2 लाख हमारे पास आयुर्वेदिक ऐसी मेडिसिन हैं जो किसी एक के नाम पे पेटेंट हो ही नहीं सकते, जो हमारे देश की धरोहर है, देश के नाम पे पब्लिक प्रॉपर्टी करके उन्होंने डिक्लेयर किया। अभी योगा, ये तो दवाई की बात मैंने की, योगा आप समझ सकते हैं योगा क्या है आज की तारीख में। जो अमेरिका भी बैन मीन करता है, सब कुछ करता है, उस अमेरिका में $multi-billion इंडस्ट्री है योगा, इतने सारे लोग फॉलो करते हैं योगा। मैं सिर्फ अमेरिका का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हमारे भारत में भी सभी जो हीरो हीरोइन है ना, यानी बॉलीवुड से लेके टॉलीवुड यानी हमारे साउथ तक जो भी हीरो हीरोइन है सभी योगा करते हैं। 50 साल की उम्र में अगर शिल्पा शेट्टी अच्छी दिखती है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योगा। कतरिना का पच्चीस दिखते हैं ओनली बिकॉज ऑफ योगा। उस हॉलीवुड में भी सभी हीरो हीरोइन सभी लोग कंपल्सरी योगा फॉलो करते हैं। अभी योगा कितना अच्छा है ये मैं आपको बोल के नहीं बता सकता, योगा से क्या क्या होता है ऐसे 10,000 एग्जांपल भी नहीं आपको सकता। आप योगा कीजिए, आप खुद योगा कीजिए, आपको पता चलेगा कि योगा क्या है, क्या कर सकता है हमें और क्या करता है शरीर के लिए। इसलिए नहीं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो अमेरिका जो देश हमारे बाकी जड़ी बूटी को गाली देता है, वो योगा के बारे में इतना आगे, यानी हर साल मैक्सिमम लोग अगर योगा को ज्वाइन करते हैं वो अमेरिका से, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हमारे पूरे दुनिया में कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान बांग्लादेश से लेकर सभी जगह लोग योगा फॉलो करते हैं। ये इतनी जबरदस्त उपचार पद्धति, ये ऐसी चीज हमारे इस आयुर्वेदा ने पूरी दुनिया को दी जिसका मोल ही नहीं हो सकता। दोस्तों डाइट, मैंने जैसे कहा कि आज की तारीख में नए डॉक्टर बता दे कि नहीं गोली भी ले लो और उसके साथ आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, डाइट बीट है सब वो करो, लेकिन इसके बहुत पहले आयुर्वेदा ने हजारों सालों से कहा है
कि ये जो डाइट है, जो आप खाना खाते हैं ना, इसको मेडिसिन की तरह खाओ। ओके, अच्छा खाओ। मेडिटेशन, मेडिटेशन तो सिर्फ हिंदू में होता है क्या? नहीं, मेडिटेशन एक ऐसी चीज जो आयुर्वेदा बताती है करो, जो हर धर्म ने बताई। मेडिटेशन इस्लाम में होता है, मेडिटेशन बुद्धिज्म में है, जैनिज्म में है, मेडिटेशन क्रिश्चियनिटी में, सभी जगह है। क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत अच्छी नेचुरल उपचार पद्धति है अनेक मानसिक तनाव के लिए। दोस्तों ये आयुर्वेदा, अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं तो कोई दूसरी पैथी इसके कंपैरिजन में ही नहीं, पास में ही नहीं आ सकती, ऐसा हमारा आयुर्वेदा है। लेकिन ये क्या है, ये सब चीजें घूम घाम के एक चीज के ऊपर आती है, और वो है बिजनेस। ओके, तो बिजनेस ये है कि आज की तारीख में पूरे दुनिया में ये जो दवाई का जो बिजनेस है, ये जो धंधा चालू है, उसका साइज इतना बड़ा है, यानी दुनिया में 1.27 ट्रिलियन डॉलर, यानी 95 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अब ये 2 साल पहले की फिगर है, और आपने देखा कोरोना में सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर बड़ा हुआ डेवलपमेंट हुई होगी तो वो सिर्फ फार्मा सेक्टर था। तो मैं सिर्फ दवाई की बात कर रहा हूं, बाकी चीज की नहीं। तो ये सिर्फ दवाई हमने बेची, पूरी दुनिया में बेची गई 95 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और आपको मालूम है ये 95 लाख करोड़ का माल बेचने के लिए कितने पैसे लगे होंगे उनको? 5 लाख करोड़ भी नहीं। यानी इसमें इतना मार्जिन होता है, जो 100 रुपए की दवा, जो गोली आप खरीदते हो ना 100 रुपए, उसको बनाने के लिए कभी कभी 1 रुपया भी नहीं लगता। तो इतना बड़ा जब मार्केट पूरी दुनिया में है, हमारे भारत में भी लगभग 3.5 लाख करोड़ का ये बिजनेस है। ये भी 2 साल पहले की फिगर है। और ये ऐसे सब बिजनेस में अभी क्या हो रहा है, ये आयुर्वेदा बढ़ रहा है। कोरोना में, कोरोना ने पूरी दुनिया को बता दिया कि क्या है, कि अगर आपको ठीक रहना है तो आपको इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अभी आयुर्वेदा वगैरह सब काम कर। ओके, तो इसके वजह से अभी हमारा ये जो अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है, या जिसे कैम कहा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव, तो इसका जो बिजनेस बढ़ रहा है। तो पूरी अभी ये लोग कुछ कुछ ऐसे कर रहे हैं कि जो बढ़ रहा है बिजनेस है, वो ये नहीं देखते, जो एस्टैब्लिश बिजनेसमैन है ना, वो ये नहीं देखते कि आप कितनी अच्छे चीजों से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप बिजनेस करने आए हैं तो वो ये देखेंगे कैसे आप वो बिजनेस हमारे तक ज्यादा से ज्यादा नहीं पहुंच सकते, और इसीलिए जान बूझ के वो ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन करते। कैसे कह सकते हम वो लोग हमारे आयुर्वेदा को अनसाइंटिफिक, सुडो साइंटिफिक कैसे कह सकते, बताइए कैसे वो बैन कर सकते, कोई देश कैसे कर सकता है? जैसे इतने हजारों सालों से मिलकर अगर कोई इतना बड़ा, विश्व का इतना बड़ा साइंस अगर किसी ने तैयार किया है, कैसे कह सकते हैं? और ये सब नाम खराब करने का तरीका क्यों है? क्योंकि बहुत पुरानी ये बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है ना, क्या आपको याद है हमारे देश में वनस्पति तेल को लेके, हमारे खुद के जो वनस्पति तेल है, जो हम लोग हजारों सालों से जिसका इस्तेमाल करते हैं, यानी सरसों का तेल है, राई का तेल है, सिंगदाने का तेल है, हमारे नारियल का तेल है, ये दुनिया में सबसे बेस्ट तेल है। इसमें जो कुछ चीज है, जो तत्व है ना, वो बाकी किसी तेलों में नहीं। लेकिन ये बाकी की कंपनी जब आई हमारे देश में, पाम तेल लेके, सोया तेल लेके, ये सफल हो गए सब, ये कुछ भी नहीं हमारे तेल के सामने। तब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने पहले हमारे इस जो तेल की इंडस्ट्री, इसको बदनाम किया, खराब किया। उन्होंने क्या किया, जब 90s में ये सब तेल आए, पाम तेल और सब कुछ, उसके पहले तो हमारे देश के तेल चल रहे थे। तब 1998 में दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हुआ, और हादसा क्यों हुआ, तो मिलावट सरसों के तेल की वजह से, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई, 3000 लोग बीमार पड़े, और बाद में सिर्फ रेगुलेशन वगैरह सब। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये पुरानी स्ट्रैटेजी। अभी यही तेल अभी वो बहुत अच्छा शरीर के लिए, बहुत पोषक, ये अच्छा वो अच्छा करके अभी वही कंपनियां यही तेल हमको बेच रही। ऐसे ही हुआ ना, अंग्रेजों ने ऐसे ही किया हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ। जिस कपड़े के लिए पूरी दुनिया में हम लोग जाने जाते थे, उस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बंद करके अपना अपनी रुई, अपनी कपास लेके गए, वस्त्र उन्होंने बनाए अपनी फैक्ट्री में, और वही वस्त्र फिर उन्होंने हमें बेचे, हमारे देश को और पूरी दुनिया को। और वैसे ही काम कर रहे हैं वो अभी आयुर्वेदा के साथ।
दोस्तों कई सारे ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे इस आयुर्वेदा में ऑलरेडी लिस्टेड है, और सिर्फ आयुर्वेदा की जो उपचार पद्धति है इसमें जो वनौषधि है वही ठीक कर सकती है। कितनी लंबी लिस्ट है, वो कैसी होती है ना, वो पता है, और उसके ऊपर क्या करें वो पता है। बस एक बार वो हो गई, इसका मतलब पूरी जिंदगी भर आपको अभी ये गोली खानी है। अगर ये हो गई तो जिंदगी भर आपको ये काम करना है। बस ऐसी उपचार पद्धति आज की तारीख में, आयुर्वेदा वैसे नहीं है। तो कुछ दिनों बाद यही सभी कंपनियां उसके ऊपर काम करी, यही फार्मा कंपनी जब जो हमको अभी केमिकल्स बेच रही है जिसके इतने सब साइड इफेक्ट हमको सब पता है, वही अभी उसके ऊपर रिसर्च करेगी, उनको पता चलेगा और वही हमको फिर से वो बेचे। तो दोस्तों अभी इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन यही है जो कोरोना ने हमको बताया। कोरोना में जब ये बीमारी हुई तब तो कोरोना में कैसे वैक्सीन तैयार हुआ, कि किसी कंपनी ने वो वैक्सीन तैयार किया, वो और वो वैक्सीन उन्होंने बहुत सारे मेडिकल ट्रायल्स लिए, उसकी उसकी जो एफिकेसी है वो बताई और बाद में मार्केट में लॉन्च किया। वैसे ही हमको करना होगा। हमारे पास तो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है, 2 लाख मेडिसिनल दवाई है जो हमारे पूर्वजों ने पुरखों ने तैयार किया है। तो हमारे पास वो दवाई है और वो क्या कर सकती है वो भी हमारे पास है, डिटेलिंग में है। तो आज हमें क्या करना पड़ेगा, तो आज हमें वो जो चीज है उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। कौन सा रिसर्च, जो आज की दुनिया जानती है, जो आज की दुनिया समझती है। अगर तुलसी है तो तुलसी में ये तत्व है, ये तत्व तो किडनी के ऊपर ये काम करेगा, हार्ट के ऊपर ये काम करेगा, ऐसा रिसर्च आज करना पड़ेगा और वो रिसर्च दिखाना पड़ेगा दूसरा। और ये करने के बाद फिर हमें मेडिकल ट्रायल्स लेने पड़ेंगे। मेडिकल ट्रायल्स लेने, अगर आपने वो दवाई की है तो आपने 100 पेशेंट के ऊपर, 200 के ऊपर, 500 के ऊपर फिर ये पूरे दवाई का क्लिनिकल ट्रायल लिया और फिर वो दवाई लेने के बाद ये सब परिणाम हुए। और ये जब आपको, तो हम सबको पता है कि आयुर्वेदा में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते जो बाकी के इसमें होते हैं, हो सकते हैं वो आयुर्वेदा में नहीं होते। और एक बार ये प्रूव होने के बाद फिर पूरी दुनिया को ये प्रमोशन मार्केटिंग करते हैं, हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि क्या आयुर्वेदा है, और उस हिसाब से हमें लोगों को बताना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन इस सभी चीजों में हमें एक चीज करनी होगी, एक विश्वास तैयार करना होगा, एक ब्रांड तैयार करना होगा। ये जब दवाई हम लोग बेचेंगे तो एक ऐसी कंपनी का निर्माण करना होगा जो कंपनी जिम्मेदारी ले, जो कंपनी बोले कि अगर हम लोग आपको दवाई देंगे तो उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई मेटल नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला एक कोई नाम, एक विश्वास तैयार होना चाहिए, कोई कंपनी तैयार होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, इस कोरोना में कितने सारे लोग आयुर्वेदा को अपना रहे थे, उसके ऊपर काम कर रहे, वही दवाई ले रहे थे, शहद, बहुत ज्यादा लोग शहद खरीद रहे थे। लेकिन इस शहद के बारे में जब उसकी जांच हुई, हमारे जो फूड ड्रग डिपार्टमेंट उन्होंने जांच की, तब तो 6 कॉर्पोरेट कंपनियां, यानी मैं बाकी के छोड़ दूसरी कंपनी का तो गिनता ही नहीं, 6 बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में से सिर्फ एक कंपनी ऐसी थी कि जिसके शहद में एक्चुअली शहद था, और बाकी की 5 कॉर्पोरेट कंपनियां शहद के नाम पे चीनी बेच रही थी, शक्कर बेच रही थी। तो आप मुझे बताइए, अगर आयुर्वेदा को अगर किसी ने ऐसे बदनाम किया है मेटर में, वो हम ही लोग हैं, और अगर कॉर्पोरेट कंपनी कर रही तो नीचे वाले लोग क्या करते होंगे। ये सब बदलना होगा, तो हमें एक नाम तैयार करना होगा, और वही नाम, वही विश्वास है एमसीएल। दोस्तों एमसीएल में तो अगर हमने आपको कुछ चीज कही है, हमारे लोगों को, किसानों को कही है, तो हम लोग 100% करेंगे, सिर्फ करेंगे नहीं उससे बेहतर करेंगे, क्योंकि तो नाम, ये विश्वास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या नाम, क्या विश्वास निर्माण करते हैं, क्या अपने कंपनी के ब्रांड तैयार करते हैं, यही सब कुछ है। और इसी ब्रांड, अगर एक अच्छे कंपनी का निर्माण हम लोगों ने, सबने किया, तो मुझे लगता है सब सोल्यूशन है, अपने पास दवाई है, सब सब है। एक अच्छे कंपनी का निर्माण करना अच्छे तत्वों के साथ, ये जरूरी है। और दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको कि आयुर्वेदा जो है, तो कुछ ऐसे पेशे हैं, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है कि जो पैसे के ऊपर आपको उसको यही नहीं कर सकते, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। वैसा पेशा है डॉक्टरी का। आज भी हम लोग डॉक्टर को भगवान समझते हैं, क्योंकि वो हमारी जान ही बचाता। आप सोचिए कि एक चीज आयुर्वेदा की जो है योग, योगा हमने पूरी दुनिया को दिया और उसका कितना बड़ा फायदा दुनिया को हो रहा है। वैसे ही अगर हमने इस आयुर्वेदा को अच्छी तरह से इसके ऊपर काम किया, ये दवाई दी, तो मुझे लगता है कितने, ये बिजनेस वगैरह छोड़ दीजिए आप,
कितना पैसा मिलेगा जो जाने दीजिए, लेकिन कितना भला हम लोगों का करेंगे आप देख सोचिए। क्या जो केमिकल्स जो दवाई वो लोग खा रहे हो क्या हो रहा है हमारे सामने है सब कुछ, लेकिन उसके जगह पे अगर हम लोग हमारा आयुर्वेद इसको अच्छी तरह से रखे दुनिया को रखे तो एक बहुत बड़ा काम हम लोग पूरे मानव जाति के लिए करें, एक बहुत बड़ा एहसान हो सकता है हमारे जरिए इस आयुर्वेदा का पूरे दुनिया के ऊपर। तो अगले आने वाले दिनों में ऐसा कुछ काम करने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू। आने वाले समय में मानव जाति का कल्याण करने वाला आयुर्वेदा MCL पूरे भारत में रीएस्टैब्लिश करेगा, ये आज का थॉट था। गुड मॉर्निंग MCL, MCL इंडिया परिवार। आज एक विस्मयकारिक बहुत चमत्कारिक प्रेजेंटेशन में श्याम सर ने पीड़ा उठाया है कि भारत की प्राचीन सभ्यता में जो जीने की जीने का जो विज्ञान था उस आयुर्वेदा को MCL के माध्यम से पूरे भारत में हम फैलाएंगे और उसका एक अलग मॉडल हम दुनिया को दिखाएंगे। जी हाँ, डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलभ सर ने हमेशा ही चमत्कारिक और विस्मयकारिक कल्पनाओं का एक हमारे सामने प्रेजेंटेशन दिया हुआ है जिसे बताया गया है कि हम कैसे अपनी भारतीय सभ्यता को MCL के माध्यम से अच्छे ब्रांड से विश्वासार्हता से जो रिलायबिलिटी विश्वास आयुर्वेदा ने खोया है उसको हम लोग कैसे एस्टेब्लिश करेंगे ये बताया। हैट्स ऑफ टू यू सर, और शायद आयुर्वेदा को इतने बड़े अच्छे तरीके समझाने वाले वो पहले एलिवेज MBBS डॉक्टर होंगे, तो ये भी एक विस्मयकारिक बात है। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। उसी सभ्यता की बात, आर्यभट्ट सभ्यता की बात प्राचार्य ने की, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो MCL इंडिया परिवार है उस परिवार को ये जो भविष्य दिख रहा है कि कैसे हम ना कि बिजनेस करेंगे बट बिजनेस साथ साथ हम अपनी भारतीयता को पूरे विश्व को री तरीके समझाएंगे, ये थॉट आज की तारीख में बहुत क्रांतिकारी है। थैंक यू श्याम सर, थैंक यू प्राची मैडम, एंड थैंक यू ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ MCL, MBP ओनर्स, MBS, MP ओनर्स, BDS, सीनियर BDS, प्राइम BDS। जी हाँ, मैं हर बार की तरह आज भी दोहराऊंगा कि आप सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और MCL ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय MCL। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर, थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस। एंड मैं आप सभी को फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि दोस्तों कृपया चैट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसके ऊपर जाइए और अपना फीडबैक हमें भेज दीजिए, शुक्रिया। एंड मैं यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्राची मैम का, जो हर बार की तरह आज भी एक क्रांतिकारी विचार जिन्होंने हमें दिया है। आज के हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी जो भूल चुकी है हमारे पूर्वजों को और जो कुछ भी हमारे ग्रंथों में लिखा है इसको, तो ये सारी बातें किस तरह से हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को बतानी चाहिए ताकि ये सारा इतिहास हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां ये आगे लेकर जा सके। थैंक यू वेरी मच प्राची मैम। एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस इंसान का जो हर बार हमें कहते हैं कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, हमें आगे बढ़ना है, आर्थिक महासत्ता बनाना है। लेकिन सिर्फ बिजनेस 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 ही नहीं, हम जो भारतीय विश्व शांति का संदेश जिन्होंने पूरी दुनिया को दिया, वही संदेश आज हमने सुना डॉक्टर श्याम सर की ओर से, जो कह रहे हैं कि सिर्फ बिजनेस ही नहीं, लेकिन वो शास्त्र, वो चिकित्सा शास्त्र जो आज से हजारों साल पहले हमने भारत में बनाया है, वो सारी बातें साइंटिफिक है और ये सारी बातें हम दुनिया की तरफ रखेंगे और उसके साथ साथ दुनिया में बीमारी ठीक करने के लिए नहीं बल्कि बीमारी हो ना इसके लिए काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, इस प्रकार से इस विषय को हम सबके सामने रखने के लिए और हमें एक नया दृष्टिकोण देने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी का जो हर बार की तरह इस बार शुक्रवार आज फिर सुबह आकर इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं और दोस्तों इस ज्ञान का हम उपयोग करके हमारे साथ साथ हमारे समाज और हमारे देश और आने वाले दिनों में पूरे विश्व का हम कल्याण करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी पूरी MCL टीम का जो इस काम को आगे लेकर जाने के लिए दिन रात मेहनत करती है।
तो थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं आप सभी को यह गुजारिश करूंगा कि कृपया आप अपना अपने परिवार के सेहत का ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट यहाँ इस समय ये घोषित करता हूं कि आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।